94.3 माय एफएम ट्यून किया है आपने। मैं हूं आमोद आपके साथ और आज हैप्पी इवनिंग में हम कर रहे हैं मेन की बात। इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है मेंस राइट एक्टिविस्ट बरखा त्रेहन मैम। हाय आमोद, आई एम बरखा त्रेहन, पुरुष आयोग प्रेसिडेंट फ्रॉम न्यू दिल्ली। सो मैम, अभी तक मेन की बात में हमने लॉयर्स से बात की, विक्टिम से बात की और सबका यही कहना था कि आपको लीगल सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है, लेकिन इस लीगल लड़ाई में एक आदमी जिसके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगते हैं वो फाइनेंशियली एक्सपोज हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं बचता, तो ऐसी सिचुएशन में वो आदमी कहाँ जाए, किससे बात करे? यही सबसे बड़ी समस्या है कि ये पुरुष चाहे तो जाए कहाँ। मर्द को बहुत दर्द होता है जब उसके ऊपर ऐसे लीगल फाइट करनी पड़ती है और उसको जॉब से तुरंत निकाल दिया जाता है जैसे ही उसके ऊपर एलिगेशन आते हैं, चाहे वो रेप का एलिगेशन हो, चाहे झूठे घरेलू हिंसा का हो या दहेज प्रताड़ना का हो, कोई सा भी एलिगेशन आते सार पुरुष को जॉब से निकाल दिया जाता है, चाहे वो किसी भी ओहदे पे हो, सोल्जर, मतलब कोई भी बचा नहीं हुआ है। लेकिन होता यह है कि वो पुरुष जो है मिडिल क्लास की अगर हम बात करें, उनके लिए कुछ भी नहीं है, रिकोर्स कुछ नहीं, कोई पटल नहीं है। इसीलिए तो हम बार बार बोल रहे हैं सरकार से मेंस कमीशन बनाने के लिए 24/7 की एक हेल्पलाइन तो दे दो यार। अगर महिलाओं के लिए हेल्पलाइन है तो पुरुषों के लिए क्यों नहीं है हेल्पलाइन? वो अच्छा जाए तो जाए कहा, चलिए मैं कहती हूँ मैं मेन की बात करती हूँ, मैं हेल्प करती हूँ, लेकिन मेरे पास कितने लोग आ जाएंगे कि मैं क्या हजारों की मदद कर सकती हूँ, मैं इतनी सक्षम नहीं हूँ। और पुरुष आयोग जो मैंने संस्था बनाई है वो भी मैंने इसीलिए बनाई, थक हार के जब मैंने हर दरवाजा खटखटा लिया, इस देश के लॉ मेकर्स को भी मिल लिया, तब मैंने जाके ये पुरुष आयोग बनाया है। करो मदद, क्यों नहीं? 51% पुरुष है इस देश में। वी आर नॉट एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द मेल जेंडर एट ऑल बिकॉज मेल बैशिंग इज टू फैशनेबल। एग्जैक्टली, बस इसीलिए तो हम मेन की बात कर रहे हैं। सो मैम, इस वक्त कई लोग हमें सुन रहे हैं जो इन सारी सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। What will be your advice for them? Fight back. Keep fighting. Don't surrender. जो करना पड़े करिए। Exactly. अगर आपके पास सच्चाई का साथ है तो उस सच्चाई के लिए लड़िए आखिरी दम तक। थोड़ी देर में एक ओपन लेटर लेके आता हूँ। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। कुछ बातें हैं जो बताना जरूरी है, कुछ बातें हैं जो करना जरूरी है, इसीलिए 94.3 माय एफएम पर आमोद कर रहा है मेन की बात। सो नागपुर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है मेन की बात में मेंस राइट एक्टिविस्ट बरखा त्रेहन मैम। सो मैम, आज मैं आपकी डॉक्यूमेंट्री द कर्स ऑफ मैनहुड के बारे में जानना चाहता हूँ। इसी के साथ साथ मेन की बात इस हैशटैग की शुरुआत सबसे पहले आपने की थी, तो इसके बारे में भी बताइए। मेन की बात पे मैंने बहुत जगहों पे कार्यक्रम किए हैं, अभी हाल में नागपुर में किया था, पानीपत में किया था, उससे अभी हम यूपी में जा रहे हैं करने के लिए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री करेंगे, कुछ प्लानिंग दिल्ली में भी चल रही है वहां पर भी करने की। सो हम रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, क्योंकि मेन की बात का हैशटैग मैंने ही चलाया था। मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मेन की बात हम सब मिल करके करें, क्योंकि ये मेरी अकेले की मुहिम नहीं है, ये आप सबकी मुहिम है। सो मैम, इसी के साथ साथ आपने कई ऐसे भी केसेस देखे जो आपके पास आए थे, कुछ फेमस केसेस, लाइक लखनऊ का वो केस हुआ था जब एक कैब ड्राइवर को खामखा एक लड़की ने भरे रास्ते पे जलील किया था, उसे मारा था। आप सबको पता नहीं, इस बात का पता है कि नहीं, कि बेचारा कैब ड्राइवर बिना किसी दोष के, उसका कोई कसूर नहीं था, फॉर नो फॉल्ट He was beaten up by this woman 22 times. कूद कूद करके उसने थप्पड़ मारे, थप्पड़ जड़े। Right. और जब बाद में उसने पूछा गया, उसने विक्टिम कार्ड खेल दिया। मैं तो पेशेंट हूँ, मुझे टीबी है, मुझे ये है, मुझे वो है, मैं तो मार ही नहीं सकती है, ये लोग मुझे मारने आए थे। हमने लगातार उनसे पूछा, मैडम ये विक्टिम कार्ड खेलना, वुमन कार्ड खेलना बंद करिए, आप वीडियो दिखाइए वो वाला जहाँ आपको कोई मारने पीटे ना। हमने सबने वो वीडियो तो जरूर देखा है जहां आप पीट रही हैं उस लड़के को, 22 थप्पड़ मारे आपने कूद कूद के, बिना ये सोचे कि ये किसी का लड़का है, किसी का भाई है, किसी का पति है। और उसका वो बहुत ही वो लड़का जो है, उससे मैंने फर्स्ट डे ही बातचीत करी, मैंने बोला भाई तुम इतना पेशेंट कैसे, कहां से लाए हो, तुम भी तो पीट सकते थे उसको, लड़की को। तो ही सेड कि मैं, मेरे घर में ये सिखाया गया है कि मैं किसी भी महिला के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, इसलिए मैं अपने को कंट्रोल करके बैठा हुआ था। बस यही तो है मेन की बात, यही तो है वो भावनाएं जो लोगों तक नहीं पहुंचती। वंस अगेन थैंक यू सो मच बरखा मैम हमसे बात करने के लिए। 94.3 माय एफएम पर मेन की बात जारी रहेगी। मैं हूं आमोद आपके साथ। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।